आप कालूराम हैं और आप राजस्थान से आए हैं और पिछले 4-5 साल से आप घर पे भी नहीं गए हैं और लगातार बाहर रहकर भेड़ों को चराने का काम करते हैं और लगभग इनके पास 400 से लेकर 500 भेड़े हैं जिसको ये चराने के लिए मध्य प्रदेश में आए हैं। और पिछले दिनों इनसे जब मुलाकात हुई तो इतनी सारी भेड़ों को कवर करना और किस तरह से कवर करते हैं ये जानने की उत्सुकता थी। तो आज मैं अपने दर्शकों के लिए इनसे बातचीत करना चाह रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़ सके कि हमारा पारंपरिक ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। तो कालूराम जी आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आप 400-500 भेड़ों के साथ हैं तो जब ये 400-500 भेड़ें जब चलती है तो इनको उठा के जब चलना चालू करते हैं तो चलाने के लिए आप क्या संकेत देते हैं, क्या सीटी बजाते हैं, क्या करते हैं? सीटी बजाते हैं। तो सीटी कैसी बजाते हैं जरा बतलाएं कि वो चलने लग जाए। तो वो चलने लग जाती हैं। अगर उनको सारी भेड़ों को चलते चलते रोकना है तो वो कैसे रोकती हैं? उसमें भी सीटी बजाने पड़ते हैं। तो वो सीटी कैसी बजती है बताएंगे? और अगर उन सारी भेड़ों को जैसे मोड़ना हो कहीं पे तो वो मोड़ने के लिए आप कौन सी सीटी बजाती हैं? और अगर उनको सारी भेड़ों को एक लाइन में चलाना हो कि वो इधर उधर भटके नहीं सीधी एक लाइन में चले तो वो उसके लिए भी कुछ करते हैं आप? उसके लिए कैसी सीटी बजती है? तो ये सारी भेड़ें एक साथ एक जैसे चलने लग जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ और है जो आप बतलाना चाहते हैं? इतनी सीटियां रहती है जिससे पूरी भेड़ें चलती है, रुकती भी हैं, मुड़ती भी हैं, ठहरती भी हैं, खड़ी भी होती हैं और एक साथ चलती हैं। और ये हमारा सीटी बजाने वाला जो ज्ञान है इनका अपना पारंपरिक ज्ञान है जो इनको अपने पिताजी से मिला और पिताजी को उनके पिताजी से मिला और ये ज्ञान लगातार आगे ये अपनी संतानों तक आगे पहुँचाएंगे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।